एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो AWS की सर्विस है, और AWS में हम सीखने वाले हैं कि जो इलास्टिक बीन स्टैक है, एंड यू नो दैट कि इलास्टिक बीन स्टैक जो हमारी काउंट होती है सर्विस, वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के केस में आती है, राइट? तो देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की हेल्प से आप अपने रियल इन्वायरमेंट में क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स इसमें हम सीखेंगे कि थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, इलास्टिक बीन्स किन किन रीजन से आप कॉन्फिगर करेंगे, साथ ही साथ स्टेप देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप है जिसके थ्रू आप प्रॉपर तरीके से अपना बीन स्टैक क्रिएट करेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे, राइट? तो गाइज, प्रोसीड करने से पहले, अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर आप यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं टीच मी क्लाउड के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि क्योंकि बेसिकली आपके इस इंडिविजुअल चैनल पे, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाले हैं मल्टीपल क्लाउड टेक्नोलॉजीज की वीडियो। अगर आप Azure की वीडियो सर्च कर रहे हैं तो आपको अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। Amazon की वीडियो अवेलेबल है, Google क्लाउड अवेलेबल है, और अगर आप बात करें वर्चुअलाइजेशन में तो VMware ESXi 6.0, 6.5 और 6.7 की वीडियो की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, राइट? सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल आज का एजेंडा और कोशिश करते हैं समझने की इलास्टिक बीन स्टैक कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, चाहे वो आप आर्किटेक्ट की तरह काम कर रहे हो या किसी इन्वायरमेंट में एज ए किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज AWS एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, तो बीन स्टैक सर्विस कैसे आपकी मदद करने वाली है, राइट? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इलास्टिक बीन स्टैक है क्या। सो बेसिकली इलास्टिक बीन स्टैक जो है वो हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का एग्जाम्पल है। बेसिकली एज पर द नेम ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये बेसिकली क्या होती है, अनमैनेजेबल सर्विस होती है। और वी नो दैट कि अनमैनेजेबल सर्विस के केस में क्या होता है कि हम अपनी तरफ से सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं। जो मैनेजमेंट का पार्ट है वो बैकेंड हमारा देखता है, मीन्स हमारा प्रोवाइडर देखता है, चाहे वो Azure का प्रोवाइडर हो या AWS का प्रोवाइडर हो। अगर हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का एग्जाम्पल देखते हैं तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के केस में जो एक्टिविटी है इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट की, वो 75% जो है हमारा प्रोवाइडर देखता है और 25% हमें प्रोसीड करना पड़ता है। तो बेसिकली जो एजेंडा है अपना इलास्टिक बीन स्टैक का, अगर हम इसकी थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें या इसकी मीनिंग की बात करें, तो एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप प्लान कर रहे हो किसी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए अपने AWS पोर्टल के थ्रू, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो तरीके हैं वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। एक, विद द हेल्प ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कॉन्फिगर कर सकते हैं, दूसरा विद द हेल्प ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज कर सकते हैं। तो जब आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करते हैं तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के केस में जो नेम आता है वो हमारा बीन स्टैक है। तो बेसिकली मान के चलते हैं हमारा जो एजेंडा है, एजेंडा ये है कि आपके पास एक .NET की फाइल है या PHP की फाइल है या जावा की फाइल है या पाइथन की फाइल है, एक वेबसाइट है बेसिकली या एक एप्लीकेशन है जो आपका पाइथन में क्रिएट है या जावा में क्रिएट है या .NET में क्रिएट है। आपके पास पेन ड्राइव में वो डेटा अवेलेबल है, आप उस डेटा को अपने क्लाउड के थ्रू होस्ट कराना चाहते हो वर्ल्ड वाइड, साथ ही साथ आप उस वेबसाइट से एक डोमेन जोड़ना चाहते हो, लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के थ्रू कर सकते हैं और एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के थ्रू। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करना पड़ेगा आपको, एक A to Z एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी जो भी स्टेप हैं वो आपको मैनुअल परफॉर्म करने पड़ेंगे, लाइक एज कि आपको एक सर्वर क्रिएट परचेज करना पड़ेगा, EC2 इंस्टेंस परचेज करना पड़ेगा, उसमें मैनुअल सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी, राइट? जैसे अपाचे आप कॉन्फ़िगर करना है या IIS कॉन्फ़िगर करना है तो आपको सारी चीज़ें मैनुअल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करें तो सारी चीज़ें बनी बनाई आएगी, आपको सिर्फ अपना डेटा अपलोड करना पड़ेगा और डेटा अपलोड करते ही आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो बीन स्टैक बेसिकली हम इसमें क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक .NET की वेबसाइट है, यहाँ पे जो एजेंडा हमने डिसाइड किया है, होस्ट अ .NET वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ, ठीक है ना, .NET वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक बीन स्टैक, ठीक है? ये अपने पास एजेंडा हो गया, ये अपना पर्पज हो गया कि हम इलास्टिक बीन स्टैक की हेल्प से .NET की साइट ओपन करने वाले हैं और होस्ट करने वाले हैं, साथ ही लोड बैलेंसर उसमें देखेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको आप मैनेज करते हो, राइट? तो अभी अपने पास ये साइट है, आप लोकल मशीन की बात करें तो ये अपने पास लोकल पे साइट अवेलेबल है, हम इसमें index पे क्लिक करते हैं, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर देखते हैं, ठीक है? तो आप देख रहे हो कि ये साइट आपको दिख रही है, ये साइट प्रॉपर तरीके से रन कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास डेटा में क्लिक किया तब आपको दिखाई पड़ रही है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो साइट है अपने पास, ये जो डेटा अवेलेबल है, ये सेम साइट हमारी AWS पोर्टल के थ्रू होस्ट हो और वर्ल्ड वाइड इसको आप एक्सेस कर पाएं। एक एक स्टेप देखते हैं हम कि कैसे क्या करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले चलते हैं अपने AWS पोर्टल पे, और पोर्टल के ऊपर आपने देखा कि जस्ट हमने सर्विसेज पे क्लिक करी, राइट। और सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है पहले ही ऑप्शन में, कंप्यूट ऑप्शन का ये पार्ट है अपना जो इलास्टिक बीन स्टैक है। कंप्यूट के पार्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे इलास्टिक बीन स्टैक है, हम इलास्टिक बीन स्टैक को ओपन करा लेते हैं, राइट, और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या स्टेप्स इसमें अवेलेबल है जिसको हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये अपने पास इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। AWS इलास्टिक बीन स्टैक एंड टू एंड वेब एप्लीकेशन मैनेजमेंट मीन्स एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी होस्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा इलास्टिक बीन स्टैक के नाम से AWS पोर्टल पर। ठीक है, अभी अपने पास बिल्कुल फ्रेश इन्वायरमेंट है, नॉर्थ वर्जीनिया हमारी लोकेशन है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके। अभी हमने एक भी बीन स्टैक होस्टिंग नहीं की है, तो आप सबसे पहले जो गेटिंग स्टार्ट किया है सामने दिखाई पड़ रहा है क्रिएट एप्लीकेशन, आप क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए, राइट। यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम, तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम दे दे रहे हैं ट्रेनिंग ऐप के नाम से, ठीक है ना। और ध्यान रखना जो आपका नेम होना वो मस्ट बी यूनिक, वो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये क्रिएट होता है। तो हमने यहाँ पे ट्रेनिंग स्लैश ऐप रख दिया, ये अपने पास अकाउंट नेम हो गया अपने पास किसका, ऐप का, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है एप्लीकेशन टैग्स, तो यू नो दैट अबाउट द टैग। बेसिकली टैग क्या होता है कि जब आपके पास इन्वायरमेंट में मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर रहे हैं और आपको इंडिविजुअल एप्लीकेशन को का सिलेक्शन करना है, तो टैग की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने की डिसाइड कर दिया कि हमने टैग का नेम दे दिया गेम, राइट, और यहाँ पे कुछ भी दे दिया होस्ट। अब आपने जो गेम का एप्लीकेशन बना रखा है, गेम होस्ट करने के लिए एप्लीकेशन बना दे रखा है, उसको आप टैग के नेम से समझ जाएंगे, टैग के नेम से पहचान लेंगे, ओके। अगला ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि जो आपने एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है या आपने जो वेबसाइट डिज़ाइन की है वो कौन से फॉर्मेट में या किस लैंग्वेज की हेल्प से आपने क्रिएट कर रखी है। तो आप प्लेटफॉर्म पर क्लिक करेंगे, देखो नंबर ऑफ लिस्ट आपको दिखाई पड़ रही है, डॉकर दिखाई पड़ रहा है, .NET दिखाई पड़ रहा है, जावा दिखाई पड़ रहा है, Node.js है, PHP है, Python है, Ruby है, Tomcat है, राइट, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो डेवलपर ने आपको जिस फॉर्मेट में डेटा दिया है, जिस कोड से लिख कर डेटा दिया है, वो आप सिलेक्शन कर जाएंगे। यहाँ पे PHP है तो PHP, Python है तो Python। तो अपने पास जो बेसिकली डेटा है, जो हमने आपको वेबसाइट दिखाए थे, वो बेसिकली है .NET की, ठीक है ना। तो हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्या, .NET सेलेक्ट किया। अब .NET सेलेक्ट करने के बाद देखो ये प्लेटफॉर्म जो आपका बन रहा है वो प्लेटफॉर्म क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब अपना प्लेटफॉर्म क्या सेलेक्ट करना चाहते हो, 2019 सेलेक्ट करना चाहते हो, 16 सेलेक्ट करना चाहते हो सर्वर का, या सर्वर 2012 आप 12 इस्तेमाल करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे प्रोसीड करने वाले हैं सर्वर 12, ठीक है। अब जो टोटल डिटेल है, आपके पास IIS 8 है जिसके थ्रू आपका .NET वेबसाइट डिप्लॉय होने वाला है, ठीक है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन मिल रहा है हमें, और ये अपने पास 1.2 जो प्लेटफॉर्म का वर्जन है, इस बिन स्टैक का प्लेटफॉर्म का वर्जन। नो नीड टू डू एनीथिंग, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सिंपल एप्लीकेशन, अपलोड कोड, दो तरीके हैं। एक अपना कोड यहीं पे आप अपलोड कर सकते हैं, अगर आप सैंपल करते हो, सैंपल के केस में क्या होगा, आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी, जैसा कि यहाँ पे सेलेक्ट किया है, उस वर्चुअल मशीन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम अपना डेटा जो वेबसाइट जो डेस्कटॉप पे डेटा अवेलेबल है वेबसाइट का, उसको मैनुअली अपलोड कर देंगे और देखेंगे कि वो सेम डेटा वेबसाइट के माध्यम से आपको दिखने लगेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद सैंपल एप्लीकेशन, और यहाँ पे हम क्रिएट, ठीक है ना। छोटा सा स्टेप आपका बिन स्टैक क्रिएट करने के, ये आप पहला स्टेप क्रिएट कर सकते हैं, पहला स्टेप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइड कर देते हैं कि क्या एग्जैक्टली आप स्टेप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, स्टेप वन के केस में हमने क्या किया, क्रिएट बिन स्टैक, ठीक है ना, ऐप। पहला स्टेप आपका था कि आपने एक बिन स्टैक ऐप को क्रिएट किया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। अगले स्टेप की बात करें तो अगले स्टेप के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा बिन स्टैक है वो क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ओके। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे चलते हैं, और आप देखो ये प्रोसीड हो गया, इट विल बी टेक सम टाइम, 5 to 7 मिनट, 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा इस ऐप को क्रिएट होने में, क्योंकि ये जो ऐप बन रहा है बेसिकली एक कंप्लीट पैकेज बन रहा है बैकएंड में। इस पैकेज में आपको देखो क्या क्या मिलने वाला है, इलास्टिक आईपी आपको मिलने वाली है, मीन्स आपको सेपरेट इलास्टिक आईपी परचेज नहीं करना है। इलास्टिक आईपी का बेनिफिट ये है कि एक तरीके के पब्लिक स्टैटिक आईपी है, जिस पब्लिक आईपी के थ्रू आप क्या करोगे, अपने डोमेन नेम को कॉन्फ़िगर करोगे, मीन्स यही आपका ए रिकॉर्ड बनेगा जो आप godaddy.com के ऊपर आप अपने रिकॉर्ड के अंदर सेव करेंगे, ताकि आपका जो डोमेन नेम है उस पर्टिकुलर आईपी से डेटा को फेच कर सके और आपकी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड दिखा सके,
ठीक है, आईपी एड्रेस आपकी इलास्टिक आईपी एड्रेस जो है आपको मिलेगा पब्लिक का। दूसरा, सिक्योरिटी ग्रुप आपका क्रिएट होगा प्री कॉन्फिगर, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी पोर्ट नंबर की वो सारी चीज़ें आपकी बिल्ट इन रहेगी, उसमें अवेलेबल रहेगी। थर्ड नंबर की बात करें तो बीनस्टैक आपका एक S3 बकेट भी क्रिएट करेगा फॉर द बैकअप पर्पज ऑफ बैकअप। और साथ ही साथ आप देखोगे कि इसमें आपको SQL डेटाबेस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसकी भी फैसिलिटी मिलेगी। अगर आप अपने इलास्टिक बीनस्टैक की मशीन को लोड बैलेंसर के साथ अटैच करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं क्योंकि ये पैकेज थोड़ा सा बड़ा है तो हो सकता है ये टाइम ज़्यादा ले ले, हो सकता है 10 मिनट का टाइम आपको इंतजार 10 मिनट तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही आपका ये इन्वायरमेंट बनके तैयार होता है हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक पे बात करना कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है और हमें इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार करेंगे जैसे हमारा ये बीनस्टैक क्रिएट होता है, हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, 5 से 7 मिनट का टाइम लेने के बाद ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका जो हमने ऐप क्रिएट किया था ट्रेनिंग ऐप के नाम से बीनस्टैक के थ्रू, वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक URL मिला है हमें, बाय डिफ़ॉल्ट URL मिला है। आप इसको कॉपी करेंगे और चेक करते हैं कि जो हमने अभी ऐप क्रिएट किया है बीनस्टैक के थ्रू वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम इसको पेस्ट कर देते हैं अपने किसी भी ब्राउज़र पर, आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आपका एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है तो ये आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके। अब आप रेडी हो, आप अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। नाउ सी दिस इज ऑप्शन मीन्स यू विल बी गेट अ कॉन्ग्रेचुलेसन फ्रॉम ट्रेनिंग ऐप इज़ वर्किंग प्रॉपरली, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो डेटा, ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है वो .NET के ऊपर क्रिएट किया गया है। मीन्स आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर .NET की फाइल को अपलोड कर सकते हैं, राइट? तो हम क्या प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करेंगे जो भी वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सर्वर 2012 वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है। इस VM को हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जो डेस्कटॉप पे डेटा हमने रखा है, जो डेस्कटॉप पे रखा है डेटा, उसको हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपने ध्यान दिया जब आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है आपकी सर्वर 2012 की, आप यहाँ पे जाके चेक करिए, यहाँ पे आपका EC2 इंस्टेंस पैनल पे चेक करेंगे तो आपको एक VM रन करती हुई दिखेगी। बट एक मिस्टेक है, मोस्टली होता क्या है कि ना कि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आसान लगती हैं, यहाँ तक का तो स्टेप आसान है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा एक छोटी सी गलती जो है हमें हमारा डेटा अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देगी। क्योंकि आप देखो यहाँ पे वर्चुअल मशीन तो अवेलेबल है, इलास्टिक आईपी अवेलेबल है, साथ ही साथ सिक्योरिटी ग्रुप भी इसका सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हमने ध्यान दिया था कि जब हमारा जब ऐप क्रिएट कर रहे थे तो उस केस में कोई भी ऑप्शन नहीं आया कि हम अपने वर्चुअल मशीन के लिए की क्रिएट कर सकें, राइट? की इन द सेंस पासवर्ड। तो जाहिर सी बात है जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं AWS पोर्टल के अंदर तो उसके लिए वर्चुअल मशीन के साथ साथ आपको की क्रिएट करना पड़ता है। तो सेकेंड स्टेप, अभी हमारा जो इन्वायरमेंट है रेडी है बट जो वर्चुअल मशीन बैकएंड में है ना उसका की नहीं क्रिएट हुआ है, क्योंकि की नहीं क्रिएट करेंगे तो हम अपना डेटा अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि RDP नहीं मिलेगा। तो हम अपनी वर्चुअल मशीन को एडिट करते हैं, उस वर्चुअल मशीन की सेटिंग में चलते हैं और अपनी VMs के लिए क्या करते हैं, एक की क्रिएट कर लेते हैं या की असाइन कर लेते हैं जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल है। चेक करते हैं अभी अपने पास कौन सी की अवेलेबल है यहाँ पे। वैसे की तो 20 अवेलेबल है लेकिन हम यहाँ पे एक की बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे कि हाँ ये की हमारी है। आपने यहाँ पे किया क्रिएट की पेयर पे किया और हम यहाँ पे नाम दे देते हैं बीन्स्टॉक की। ठीक है ना, हमने जो नाम दिया बीन्स्टॉक की है। दोनों फॉर्मेट अवेलेबल है, ये नया फीचर ऐड हुआ है अमेजोन के अंदर कि अगर आप पर्सनल की क्रिएट करते हैं ना तो आपको PPK और PEM दोनों फाइल फॉर्मेट मिल जाएंगे, ये पहले नहीं था। तो ठीक है, हमें PEM चाहिए क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है PEM, तो हम अपना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए RDP का इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से .PEM फाइल हमने डाउनलोड कर ली, राइट? क्रिएट किया और ये आपका डाउनलोड करके हम रख लेते हैं test bin stack key .PEM, सेव कर लीजिए आप इसको। ठीक है, नॉर्थ वर्जीनिया लोकेशन है। अब आप ट्रेनिंग में चलिए, जो ट्रेनिंग ऐप आपने क्रिएट किया है और ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ ओके है। यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है अपने इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो आप कहाँ पे क्लिक करेंगे, इन्वायरमेंट एक्शन पे क्लिक करेंगे, लोड कॉन्फ़िगरेशन, सेव कॉन्फ़िगरेशन,
क्लोन इन्वायरमेंट, रीस्टार्ट ऐप और यहाँ पे रीबिल्ट इन्वायरमेंट और ये टर्मिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे लोड कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। ठीक है, सॉरी हम बताते हैं यहाँ पे, ये आपका ट्रेनिंग ऐप है, इस ट्रेनिंग ऐप पे आप क्लिक करेंगे। ओके, तो ये अपने पास रनिंग है। हमने क्या किया, एक की भी क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अगर हम बात करें तो अपने एक विंस्टैक के नाम से की भी डाउनलोड करके रख लिया, क्योंकि जब आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है उस टाइम पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि की के नेम डिसाइड कर सकें या की क्रिएट कर सकें। तो एक की क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें। आप अपने बीनस्टैक के पैनल पे जाओगे, बीनस्टैक का सिलेक्शन किया, एवरीथिंग इज ओके, और आपको लेफ्ट पैनल देखना है। अगर आप यहाँ देखो तो ट्रेनिंग एप्लीकेशन, ये पूरी डिटेल है। ट्रेनिंग एप्लीकेशन में आप कॉन्फ़िगरेशन वाले पैनल पे क्लिक कर देंगे, राइट, और कॉन्फ़िगरेशन पैनल के केस पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जिसमें से आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है, इंस्टेंसेस कौन सा रन कर रहा है, कैपेसिटी कितनी है आपके इंस्टेंस की, लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर किया है या नहीं किया है, राइट, ऐड करना है या अटैच करना है, डीअटैच करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और आप यहाँ पे देखो तो एक सिक्योरिटी ऑप्शन है, आपने करना है सिक्योरिटी ऑप्शन को एडिट। एडिट पे क्लिक करने के बाद जो भी की पेयर है आपके पास उसको आप असाइन कर देंगे। तो हमने जो बनाया है बीनस्टैक की के नाम से रिसेंटली अभी बनाया है, मीन्स वर्चुअल मशीन सेपरेट आपने बनाया, की पेयर आपने सेपरेट बनाया, उसको आपने असाइन किया और अप्लाई कर दिया, राइट। अप्लाई करने के बाद यस वी वॉन्ट टू प्रोसीड। ये जो आपकी मशीन है, जो आपका आपके इन्वायरमेंट में जो बैकएंड में एक इंस्टेंस बना है, वो इंस्टेंस आपका डिलीट होगा, क्योंकि वो जो इंस्टेंस था विदाउट की था, अब जो इंस्टेंस बनेगा वो विद की बनेगा ड्यू टू रीजन ऑफ ऑटो स्केलिंग। ये आपकी पुरानी मशीन को डिलीट करेगा, टर्मिनेट करेगा और नई मशीन क्रिएट करेगा। फिर हम नई मशीन का RDP एक्सेस करेंगे और उसमें अपना डेटा अपलोड करेंगे, अपनी वेबसाइट अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे प्रोसीड कर लेते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि नई वर्चुअल मशीन बैकएंड में क्रिएट होगी। अगर आप इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं ना, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद ये जो आपकी वर्चुअल मशीन रन कर रही है ना नॉट फॉर ट्रेनिंग लोकेशन में ट्रेनिंग ऐप के नाम से, ये आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें हम थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं, इसमें हम लिख देते हैं ओल्ड। ओल्ड इन द सेंस कि जो एप्लीकेशन बनाते समय क्रिएट हुई थी वो आपकी ओल्ड है। और ये देखो आप शट डाउन हुआ, जैसे ही शट डाउन होगा आपकी दूसरी वर्चुअल मशीन सेम नेम से सेम कॉन्फ़िगरेशन से क्रिएट होना स्टार्ट होगी। तो इसको हम नाम दे देते हैं न्यू, राइट। तो ये चेंजेस करना ज़रूरी है क्योंकि आपको वर्चुअल मशीन का RDP लेना है, क्योंकि आपके IIS सर्विस उसमें अवेलेबल है कॉन्फ़िगर करने के लिए, SSL कॉन्फ़िगर करने के लिए, वेबसाइट का डेटा अपलोड करने के लिए आपको नई वर्चुअल मशीन बनाना पड़ेगा, मीन्स रिक्रिएट करना पड़ेगा विद की। और यहाँ पे आप देखें तो ये आपका प्रोसीड हो रहा है और रेडी टू यूज़। लेकिन अभी अगर हम अपने वर्चुअल मशीन की बात करें तो ये पेंडिंग है, राइट। रिफ्रेश करते हैं पेज को, और साथ ही साथ विंडोज़ की मशीन है तो आप जाएंगे इसके सिक्योरिटी ग्रुप में। आप देखो तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप अवेलेबल है विद AWS सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से। आप इसको ओपन करेंगे और चेक करते हैं कि इसके इन बॉन्ड में कौन कौन से पोर्ट अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इन बॉन्ड के अंदर दो पोर्ट हैं, SSH का है और HTTP का। विंडो की मशीन है, SSH पोर्ट है और HTTP पोर्ट है, तो जाहिर सी बात है हमें RDP के लिए 3389 अटैच करना पड़ेगा। आप ऐड रोल पे जाएंगे इन बॉन्ड पे, और यहाँ पे एक जो पोर्ट है आपका RDP, दिस इज RDP को आप यहाँ पे एनीवेयर करके इन्वायरमेंट को सेव कर लेंगे। ठीक है, ये आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपनी वर्चुअल मशीन का एक्सेस कर पाएँ। और हम इसको करते हैं डैशबोर्ड पे फिर से जाते हैं, चेक करते हैं अपने इंस्टेंस की कंडीशन, तो इनिशियलाइज हो रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम तब तक अपना जो की है उस की को डेस्कटॉप पे रख लेते हैं ताकि आसानी हो इसको कॉपी करने में। ठीक है, डाउनलोड में है, कोई नहीं, अभी तो नॉर्मल फाइल्स अवेलेबल है, छोटी कमी फाइल है। और अब हम इस इंस्टेंस को कनेक्ट करा दें, राइट। आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, जाहिर सी बात है नॉर्मल जैसा ऑप्शन है, आप गेट पासवर्ड पे जाएंगे, ब्राउज पे जाएंगे, बीनस्टैक के नाम से पासवर्ड है तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखो बीनस्टैक की के नाम से आपका पासवर्ड अवेलेबल है। आपने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आप इसको डिक्रप्ट करेंगे, डिक्रप्ट करने के बाद आपके पास देखो ये आपका पासवर्ड, डाउनलोड करिए आप रिमोट अपना एंड ओपन। ठीक है, कनेक्ट कराएंगे हम, और जो पासवर्ड आपने कॉपी किया है आप उस पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए एंड क्लिक ओपन। यस टू कंटिन्यू,
हम अपना RDP एक्सेस कर रहे हैं, जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट कर रखी है विद द हेल्प ऑफ बीनस्टैक। आपकी VM रेडी होने वाली है और जैसे ही RDP आता है हम अपना जो डेटा है उस डेटा को इस विंडोज़ की मशीन में पेस्ट कर देंगे और फिर से चेक करेंगे URL, तो हमें अपना डेटा मिलना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। एवरीथिंग इज़ ओके। और अगर हम यहाँ पे बात करें अपने बीनस्टैक के URL की, तो आप देख रहे हो अभी यहाँ पे जो आपको वेबसाइट मिलेगी, बेसिकली न्यू टैब के साथ ओपन कर देते हैं, तो सेम वेबसाइट अभी अवेलेबल होगी जो हमारा जो हमारी वेबसाइट थी। आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेसन का एक पेज था कि आपका .NET पेज जो है रेडी हो चुका है, यू कैन यूज़ योर सर्वर एज पर योर रिक्वायरमेंट, मीन्स आप जिस तरीके की फाइल इसमें अपलोड करना चाहते हैं वो आपका रेडी हो गया। ठीक है, ये पेज था, बट हमें चाहिए हमारा डेटा जो हमने डेस्कटॉप पे रखा है, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं। RDP आई थिंक आ गया होगा अपना। ओके, स्टिल कनेक्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है, और जैसे हमारा RDP प्रॉपर तरीके से आ जाता है हम अपना डेटा कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। राइट, तो यहाँ पे अपना डेस्कटॉप ओपन हो गया है, अपना जो RDP हमने मशीन क्रिएट की थी डेस्कटॉप ओपन हो गया है। अब आप माई कंप्यूटर ओपन कर लेंगे क्योंकि विंडोज़ है, तो IIS का जो फोल्डर है बेसिकली डिफ़ॉल्ट फोल्डर वो आपका जाएगा कहाँ पे, इंटपब के फोल्डर में। ये अपने पास इंटपब फोल्डर है, आप ओपन कराएंगे, www रूट पे जाएंगे और यहाँ पे जो डेटा है पहले से उसको आप डिलीट कर देंगे। राइट, ये डेटा डिफ़ॉल्ट था इसलिए हमने इसको डिलीट किया। अब अपने पास जो डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप का जो डेटा है ये टेस्ट 1988 के अंदर वेबसाइट डेटा 2.2, इसको कंट्रोल ए कर लेते हैं, सेलेक्ट आर कर लेते हैं, कॉपी करते हैं अपने डेटा को और RDP ओपन करा लेते हैं और इसी फोल्डर में www रूट के फोल्डर में सभी डेटा फाइल, आपको फोल्डर नहीं कॉपी करना है, उसके अंदर का जो डेटा है ना उसको आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सी इंड पब www रूट, उसके अंदर जो डेटा आपका है .NET का उसको आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हमारी पूरी फाइल सक्सेसफुली इस पर्टिकुलर पेज में आती है या इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आती है, आप देखोगे कि URL के थ्रू, बीनस्टैक के URL के जरिए आप अपने वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार, अकॉर्डिंग टू द डेटा साइज, ये आपका ऑन प्रमाइसेस से क्लाउड पे कॉपी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट डन, ओके, 15 सेकेंड रिमेनिंग। नाउ कॉपी इट सक्सेसफुली, मिनिमाइज करते हैं इसको, पेज को मिनिमाइज करते हैं और URL पे चलते हैं जहाँ पे अपना बीनस्टैक रन कर रहा है। ये आपका URL था, पहले हमने अपना डेटा अपलोड कर दिया, पुराना डेटा डिलीट कर दिया और इसी पेज को आप रिफ्रेश कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। नाउ यू आर गेटिंग योर ऑन वेबसाइट, जो आपने ऑन प्रमाइसिस पे डेटा रखा था वो डेटा आप अपने बीनस्टैक के URL के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं। राइट, तो ये प्रॉपर प्रोसीजर हुआ। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या बनता है, सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो हम इसको कनेक्ट कराएंगे अपने डोमेन के नेम से, बट उसके लिए थोड़ा सा इंतजार क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले इतना प्रैक्टिकल फाइनल करेंगे, फिर उसके बाद का स्टेप, ताकि दो पार्ट में करोगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन रहेगा, आपको टाइम लगेगा और चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करने में फिर कहीं ना कहीं गैप आएगा, तो आप जो है बीच से मैट से ही छोड़ देंगे। तो अगर हम स्टेप यहाँ पे दिखा देते हैं हमने कौन कौन से स्टेप किया। पहले स्टेप में आपने क्या किया, क्रिएट किया बीनस्टैक का ऐप, उसके बाद क्रिएट की, ठीक है ना, की पेयर आपने बनाया और उस की पेयर को क्या किया, एसोसिएट कर दिया किसके साथ, अपने BM के साथ जो सर्वर आपका क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये हो गई सेकेंड स्टेप की बात। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, स्टेप थर्ड में, तो स्टेप थर्ड आपका बोलता है कि एक्सेस RDP ऑफ सर्वर, सर्वर का RDP आपने एक्सेस किया। ठीक है ना, RDP एक्सेस करने के बाद आपने क्या किया, अपलोड योर डेटा। स्टेप फोर्थ की बात करें तो स्टेप फोर्थ हमारा कहता है अपलोड वेबसाइट, या आप डेटा बोल सकते हो, अपलोड योर डेटा टू VM।
जो भी हम आपने एक्सेस किया आरडीपी उसका डेटा उस वीएम में आप अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी के लिए चार स्टेप। अगले स्टेप में हम बात करने वाले हैं कि आपने जो बीनस्टैक सर्वर क्रिएट किया, जो बीनस्टैक के थ्रू आपने वेबसाइट रन कर रखी है ना, इस वेबसाइट को कैसे आप डोमेन के नेम से जोड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड वीडियो में बात करेंगे, ये पार्ट वन था, अगले बारे में बात करेंगे पार्ट टू के बारे में, ठीक है गाइज। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है या कोई फिर सजेशन आपको लगता है वीडियो से रिलेटेड देना है या कोई इंडिविजुअल वीडियो की डिमांड है आपकी, तो आप प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप करिए, हम देखेंगे कमेंट को और ट्राई करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि हम अब कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइव प्रैक्टिकल देते रहें, बिना स्किप किए हुए प्रैक्टिकल अवेलेबल हैं इस पे। अब हमने एक एक वीडियो ओपन करिए, पोर्टल ओपन करिए, दोनों को पहले ही रन कराइए और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। स्टेप फॉलो करिए हमारी वीडियो से, प्रैक्टिकल करिए खुद के पोर्टल पे, राइट, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से फाइनल हो जाए। टेक केयर गाइस, बाय बाय।